please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. कश्मीर की जेल में बंद कैदियों को आतंकी बनाए जाने के ऑपरेशन का पर्दाफाश हुआ है। सूत्रों ने पाकिस्तान के ऑपरेशन रिसाइकल का पर्दाफाश किया है। इसके तहत पाकिस्तान की जेलों में बंद कैदियों को रिहाई का लालच दिया जाता है और फिर उन्हें गुमराह कर आतंकी बनाया जाता है। नए आतंकियों को आतंक फैलाने के लिए कश्मीर भेजा जाता है। सूत्रों ने बताया कि श्रीनगर की जेल में सबसे ज्यादा कैदियों को आतंकी बनाया जाता है। जेल में बंद नए कैदियों को आतंकी बनाने के लिए चुना जाता है। खास बात यह है कि ये उम्र, रिहाइश और सजा के मुताबिक कैदियों का चयन करते हैं। इन कैदियों को रिहाई के अलावा कुछ हजार रुपयों की आर्थिक मदद भी दी जाती है। इधर जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में सुरक्षा बल ने दो आतंकियों को ढेर किया है। फिलहाल सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच ये मुठभेड़ जारी है। बताया जा रहा है कि वहां दो से तीन आतंकी छिपे हैं जिनसे सुरक्षा बल की मुठभेड़ जारी है। रिफत इस वक्त हमें और अपडेट दे रहे हैं, रिफत की अपडेट। देखिए हिमानी, जहाँ तक बांदीपोरा हजन इलाके की बात है तो वहाँ पे एक मिलिटेंट मारे जाने की खबर है। बताया जा रहा है कि दो से तीन मिलिटेंट वहाँ पे मौजूद थे और काफी देर तक फायरिंग का सिलसिला रुका, लेकिन फिर से अभी कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश हुआ, फिर से फायरिंग का सिलसिला शुरू हुआ है। कुछ ऐसे भी खबरें आ रही हैं कि दो मिलिटेंट मारे गए हैं, लेकिन अभी एक मिलिटेंट के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है। एक बॉडी जो है रिकवर की गई है, लेकिन अभी ऑपरेशन जारी है और अभी थोड़ी देर पहले फायरिंग का सिलसिला जारी था वहाँ। ठीक है, रिपोर्ट आप नजर बनाए रखें। इधर दक्षिण कश्मीर में पुलिस ने तीन अलग अलग जगहों से नौ आतंकियों को गिरफ्तार किया है। जांच में यह सामने आया है कि रिजवान नाम का आतंकी इन सभी को गाइड कर रहा था। ये सभी बड़े हमलों में भी शामिल रहे थे और सेना से जुड़ी सूचना आतंकियों तक पहुंचा रहे थे। गिरफ्तार आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी बरामद हुए हैं। और एक बड़ी खबर गुरुग्राम से आ रही है, जहां पर 50 किलोमीटर दूर ब्रिजपुरा गांव के एक घर में परिवार के चार लोगों की हत्या कर दी गई। वारदात पटौदी इलाके में हुई है, जहां पति, पत्नी, बच्ची और बुजुर्ग महिला का शव मिला है। 25 साल के लड़के का शव घर में लहूलुहान पड़ा मिला, तो वहीं 24 साल की पत्नी का शव पंखे से लटका मिला। उधर बच्ची ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी है। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर केस दर्ज किया है और जांच शुरू कर दी है। तो 50 किलोमीटर दूर गुरुग्राम से ये ब्रिजपुरा गांव, जहां पर एक ही परिवार के चार लोगों की हत्या कर दी गई। पटौदी इलाके की यह घटना है, जहां पर पति, पत्नी, बच्ची और बुजुर्ग महिला का शव मिला है। 25 साल का उम्र जो बताई जा रही है वो लड़के की, 24 साल की पत्नी की उम्र बताई जा रही है, जिसका शव पंखे से लटका मिला। उधर बच्ची को इलाज के लिए ले जाया गया अस्पताल, जहां पर उसने दम तोड़ दिया। पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची हुई है, जांच में जुटी हुई है। फिलहाल अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है, जांच में जुटी हुई है पुलिस। कौन हो सकता है, क्या हत्या के पीछे की वजह हो सकती है, तमाम ये चीजें हैं, तमाम ये एंगल हैं पुलिस की तफ्तीश के। इधर उत्तर प्रदेश के अमरोहा में एक इमामबाड़े की दीवार गिरने से दो बच्चों की मौत हो गई। खबर के मुताबिक वहां शादी समारोह की तैयारी की जा रही थी, लेकिन इसी दौरान बारिश की वजह से इमामबाड़े की एक दीवार गिर गई और पास में खेल रहे बच्चे उसके नीचे दब गए। इस हादसे में दो बच्चों की मौत हो गई, जबकि दो बच्चों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती किया गया। इमामबाड़े के अंदर शादी समारोह की तैयारी की जा रही थी, जिसके लिए वहां शामियाना लगाया गया था, लेकिन चश्मदीदों के मुताबिक तेज बारिश की वजह से शामियाने पर पानी जमा हो गया और उसकी बोझ से दीवार गिर पड़ी। हादसे की खबर मिलते ही पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची और लोगों की मदद में जुट गई। वो दीवार जो है बारिश में आई और उसकी गिर गई, उसके नीचे जो थे दो लोग दबके दो बच्चे खत्म। इलाके के कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि कब्जे को लेकर चल रहे विवाद की वजह से इमामबाड़े की पिछले कई वर्षों से मरम्मत नहीं की गई। उत्तर प्रदेश के मेरठ में कुछ लोग ट्रक की टक्कर से घायल हुए एक बुजुर्ग को गोद में उठाकर ले जाने लगे। बताया गया कि वहां तेज रफ्तार ट्रक ने छह लोगों को टक्कर मार दी, जिसमें दो लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जबकि चार लोगों की मौत हो गई। हादसे की खबर मिलते ही मौके पर बड़ी संख्या में लोग जुट गए और राहत बचाव के काम में लग गए। आरोपी के ड्राइवर के नशे में होने की वजह से ट्रक बेकाबू हो गया और एक स्कूटर को टक्कर मारी, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई। इसके बाद ट्रक ने एक रिक्शे को टक्कर मारी, जिससे उस पर सवार दो लोगों की मौत हो गई। लगभग 120 या 30 की स्पीड से वो आ रहा था, उसने आते ही उसने डिवाइडर की तरफ बहुत तेजी से दो
दो स्कूटी वालों को टक्कर मारी। यही नहीं, ट्रक ने एक सामान ढोने वाली गाड़ी को भी टक्कर मारी जिससे वो बुरी तरह टूट गई। वहीं हादसे के बाद मौके पर पहुंचे बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भी वहां पर जमकर हंगामा किया, जबकि कुछ लोगों ने ट्रक में आग लगाने की कोशिश की, लेकिन मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने हंगामा कर रहे लोगों को शांत करवाया और लोगों को हादसे की जगह से दूर हटाया। ट्रक हम लोगों ने अपने कब्जे में ले लिया है, उसका ड्राइवर भी हमारे कब्जे में है। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। बड़ी खबर इस वक्त जो आ रही है लालू प्रसाद यादव को लेकर। आपको बता दें, चारा घोटाला मामले में आज उनको सरेंडर करना था, आज तक का वक्त दिया गया था। सरेंडर करने के लिए रांची कोर्ट पहुंचे हैं, सीबीआई कोर्ट में सरेंडर करना है लालू प्रसाद यादव को, उसके लिए वो सीबीआई कोर्ट पहुंच चुके हैं रांची। आपको बता दें 23 दिसंबर 2017 को दोषी ठहराए गए थे लालू। कहाँ जा रहे हैं जनता के बीच में है, जनता के बीच में। देखिए ज्योति वक्त हमें और विस्तार से जानकारी हमें दे रहे हैं चंद्रमोहन, तो सरेंडर करने के लिए पहुंच गए हैं सीबीआई कोर्ट लालू। बिल्कुल, देखिए लालू यादव को साफ तौर पर कोर्ट ने यह कहा था कि जो उनका एशियन हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था उसको लेकर सुनवाई के दौरान कि अब उनको 30 तारीख तक का वक्त मिल रहा है और उस वक्त तक लालू यादव को कोर्ट में सरेंडर करना होगा। तो लालू यादव अभी रांची के कोर्ट में पहुंचे हैं सरेंडर करने के लिए। हालांकि ये जरूर कहा जा रहा है कि इनके वकील की तरफ से यह दलील रखा जाएगा कि लालू यादव का अभी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं हुआ है, अभी वो अस्वस्थ हैं, इसलिए उनको रांची के रिम्स हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाए। हालांकि कोर्ट उनके दलील को कितना सुनता है ये देखना होगा, लेकिन अभी लालू यादव के जो वकील हैं वो पहुंच चुके हैं कोर्ट में, वो अपनी दलील रखने की तैयारी में है कि लालू यादव जब एशियन हॉस्पिटल में भर्ती थे उस समय इनका ऑपरेशन हुआ था, साथ ही किडनी में प्रॉब्लम है, बीपी है, शुगर है और कई तरह की बीमारियों से लालू यादव जूझ रहे हैं। तो इनके वकील जो हैं वो अपनी दलील रखने के लिए कोर्ट में पहुंचे हुए हैं, लेकिन कोर्ट ने जो सख्त रुख अख्तियार किया था और साफ तौर पर यह कहा था कि लालू यादव को 30 तारीख तक सरेंडर करना होगा। हालांकि लालू यादव का जो वक्त है, जो उनको बेल मिला हुआ था वो 27 तारीख तक था, लेकिन जो इनके वकील हाईकोर्ट पहुंचे थे उन्होंने साफ तौर पर लालू यादव के इलाज के लिए 4 महीने का वक्त मांगा था जिसको हाईकोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था और उसके बाद 30 तारीख तक लालू यादव को सीबीआई कोर्ट में सरेंडर करने का आदेश दिया था। बिल्कुल, तो पहले भी दिया गया था चंद्रमोहन, तब तो माना नहीं गया, तो क्या अब आगे इस चीज को देखा जाएगा, इस पर मैं आऊंगी आपसे, लेकिन लालू यादव ने क्या कुछ कहा सरेंडर करने से पहले ये पहले सुन लेते हैं। न्यायालय का जो आदेश है उसका अक्षर से पालन करने हम आए हैं, बीमारी है, सरेंडर है। अब जो पटना ये झारखंड हाईकोर्ट का जो निर्णय है, हम हमेशा हमको भरोसा है न्यायपालिका पर, तो उस तहत हम आए हैं। चंद्रमोहन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। चंद्रमोहन, हम यहाँ पर यही बात कर रहे थे कि पहले तो इस ग्राउंड को नहीं माना गया क्योंकि पहले भी तो यही कहा गया था, तो समय नहीं दिया गया। अब क्या लगता है कि समय दिया जाएगा या डॉक्टर्स से परामर्श ले सकते हैं, तो ऐसे में देखना होगा कि रिम्स भेजे जाते हैं या जेल भेजे जाते हैं।
बिल्कुल देखिए, जब हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही थी उस समय साफ तौर पर जज की तरफ से यह कहा गया था कि अगर लालू यादव को जरूरत पड़ती है तो उनको रांची के रिम्स हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाएगा, लेकिन उनको 4 महीने का वक्त नहीं दिया जा सकता है। इसलिए लालू यादव का जो 27 तारीख को अवधि खत्म हो रहा था उसको 3 दिन का और एक्सटेंशन मिला, और 30 तारीख को यह कहा गया था कि उनको सीबीआई कोर्ट में सरेंडर करना होगा, और उसी को लेकर लालू यादव अभी सरेंडर करने के लिए पहुंचे हैं। हालांकि अगर जरूरत पड़ी तो लालू यादव को रिम्स में भी भर्ती कराया जा सकता है, लेकिन इस बीच लालू यादव को अभी सरेंडर कर हो सकता है कि पहले जेल जाएं और वहां डॉक्टरों के चेकअप के बाद अगर जरूरत पड़ी तब उनको रिम्स जाने की सलाह मिल सकती है डॉक्टरों के तरफ से। लेकिन अभी लालू यादव के लिए एक मुश्किल की घड़ी है, क्योंकि लालू यादव के परिवार को यह लग रहा था कि हो सकता है कि जो 4 महीने का वक्त मांगा गया था वो मिल जाता, लेकिन कोर्ट से उसके रिजेक्ट होने के बाद कहीं ना कहीं अभी जो है लालू यादव कोर्ट के, जैसा कि साफ तौर पर लालू यादव ने कहा कि न्यायालय का सम्मान करते हुए हम फिर से एक बार कोर्ट पहुंचे हुए हैं, और जो उनकी दलील है वो वकील रखेंगे कि लालू यादव का बिल्कुल अभी तक भी स्वस्थ नहीं हुए हैं लालू यादव, उनको दिल का बीमारी है, साथ में किडनी का प्रॉब्लम है, बीपी है, और कई तरह के बीमारियों से लालू यादव जूझ रहे हैं, इसलिए उनको जेल ना भेजकर रिम्स में भेजा जाए ताकि उनका सही इलाज हो सके, सही देखरेख हो सके। तो ये अभी वकील दलील रखेंगे, लेकिन कोर्ट इसको लेकर कितना विचार करता है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि इससे पहले इसी दलील के आधार पर कोर्ट ने रिजेक्ट किया था और साफ तौर पर यह कहा था कि 30 तारीख को लालू यादव को सीबीआई की अदालत में समर्पण करना होगा, और यही वजह है कि लालू यादव अभी सीबीआई की कोर्ट में पहुंचे हैं। और चंद्रमोहन, मुश्किल यहीं खत्म होने का नाम नहीं लेती है। अभी जहां लालू प्रसाद यादव यहां सीबीआई कोर्ट पहुंचे आज सरेंडर करने, तो कल उधर रेलवे टेंडर घोटाला मामले में तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी को कोर्ट में हाजिर होना है। बिल्कुल देखिए, अभी पूरे परिवार के लिए मुश्किल का वक्त है, क्योंकि चारा घोटाले में लालू यादव पहले से सजा काट रहे हैं, जेल में हैं, हालांकि अभी उनको बेल मिला हुआ था इलाज के लिए, लेकिन आज वो एक तरफ सरेंडर करने के लिए पहुंचे हैं, वहीं पटियाला हाउस कोर्ट में कल IRCTC टेंडर घोटाले के मामले में लालू यादव के परिवार के 2 सदस्य जो काफी अहम माने जाते हैं लालू यादव के जेल जाने के बाद, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव हैं, इन दोनों को कल कोर्ट पहुंचना है। और इस मामले में मैं इस वक्त आपको रोकूंगी, स्टेट प्रेसिडेंट बीजेपी नित्यानंद राय जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नित्यानंद जी, काफी कुछ कहा है लालू प्रसाद यादव ने सरेंडर करने से पहले, आप पर भी आरोप यहाँ पर मरते हैं, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, श्रीमान लालू जी का कहना बिल्कुल ही गलत है। जब उन्होंने जो आरोप उन पे लगे हैं उस पे बहुत सारे साक्ष्य आए हैं, कानून उसमें काम कर रहा है, न्याय ने फैसला दिया है, और उन्होंने जो घोटाला किया है, चाहे वह घोटाला जब रेल मंत्री रहते हुए किए हों, चाहे बिहार के मुख्यमंत्री रहते हुए किए हों, या उनकी सरकार में हो, तो यह तो सब साबित हो चुका है ना। और एक तरह से मैं तो स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि इसमें जो कह रहे हैं, जो किए हैं, जो उन्होंने किया है वह पा रहे हैं, और बिहार की जनता से भी पा रहे हैं और न्यायालय से भी पा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि मोदी राज में तो हर कोई जेल जाएगा, मोदी हटाओ अभियान की बात करते नजर आए वो सरेंडर करने से पहले। देखिए, मोदी हटाओ अभियान उनका कहीं जो भी कह ले, अब मोदी को हटाने वाला कोई नहीं है, जो भी गलत करने वाला व्यक्ति हो सब जेल जाएगा, चाहे वो लालू जी हो या कोई भी हो। लालू जी ने गलत किया है या तो साबित हो चुका है, और कोई साजिश नहीं है। मोदी जी के राज में जेल जरूर जाएगा, वही जाएगा जो भ्रष्टाचारी है, वही जाएगा जो काला धन रखने वाले लोग है, वही जाएगा जो कानून तोड़ने वाले लोग है, वैसे ही लोग जाएंगे। तो लालू जी अब तो उसी श्रेणी में आ गए हैं, जेल गए तो कौन इसमें आश्चर्य की बात है, उन्होंने जो किया है उसको भोग रहे हैं। अब अभी अगर कोई सोचे कि हिंदुस्तान में कानून उसको भी छोड़ दे, जो व्यक्ति एकदम घोटाला करते जाए, भ्रष्टाचार करते जाए, गरीबों के खून पसीने की कमाई को, पशुपालकों के खून पसीने की कमाई को, देश के उस पैसों को, राज्य के पैसों को लूट कर अपना खुद धन बना लिया, इतना बड़ा अपराध किया है, उससे कितना राज्य और देश का विकास बाधित हुआ है। आपका कहना है लालू जी उधर आपको फासिस्ट कहते हैं, आपातकाल लगाने के तरीकों के समर्थक हैं, इस तरह की बातें कहते हैं। शुक्रिया नित्यानंद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।